अंशदान जमा कराने में निजी स्कूलों की लापरवाही। इन दिनों संयुक्त संचालक लोक शिक्षण के निर्देश पर सभी जिलों में खेल गतिविधियों को संचालित करने के लिए लिए जाने वाले अंशदान को लेकर विभागीय कार्रवाई जारी है। सूत्रों का कहना है कि संयुक्त संचालक ने संभाग के सभी जिला क्रीड़ा अधिकारियों धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर से तीनों सत्र की जानकारी तलब की है। सूत्रों का कहना है कि अंशदान जमा कराने के मामले में अशासकीय स्कूलों ने दिलचस्पी नहीं ली है। लगभग 300 स्कूलों को यह राशि जमा कराना बाकी है। जहां खबर वहां हम, खबर पर नजर की टीम आज जिला शिक्षा अधिकारी के खेल विभाग में मौजूद है। यहां दो अलग अलग खबरों के संदर्भ में आए हैं। इन दिनों खेलों के अंशदान को लेकर बहुत विसंगति सामने आ रही है। यही कारण है कि संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मुनीश वर्मा ने अंशदान के संदर्भ में तमाम शासकीय स्कूलों से जानकारी तलब की है। और इन दिनों इंदौर ही नहीं, इंदौर संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों क्रमशः खंडवा, बुरहानपुर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी में भी खेल विभाग में अफरा तफरी का माहौल है। पूरा की पूरा स्टाफ और पीटीआई खेल अंशदान से संबंधित जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। यह काम पिछले लगभग एक हफ्ते से चल रहा है। आज हमने इस मामले में इंदौर के क्रीड़ा अधिकारी की पहचान कार्यालय से चर्चा की है। बताएं, जिस क्रीड़ा अंशदान जमा नहीं हो रहा है, कतिपय स्कूलों ने खासतौर पर जानकारी मिली है कि निजी स्कूलों ने इसको भरने में कोई रुचि नहीं ली है, क्या कुछ चल रहा है, बताएं। वरिष्ठ कार्यालय द्वारा इस संबंध में जानकारी चाही गई है और वरिष्ठ कार्यालय ने ये तलब किया है कि कौन कौन से ऐसे विद्यालय हैं जिनके द्वारा अंशदान विगत 3 वर्षों का जमा नहीं किया है। उक्त जानकारी हम लोगों ने बिल्कुल उसकी संकलित की है, डैशबोर्ड के थ्रू हमने निकाली है और पूरी जानकारी बनाकर हमने पूरी टीम हमारी लगी इसके अंदर और हमको करीबन 10 से 12 दिन इसके अंदर लग गए, मेहनत कर रही है हम लोगों ने और बनाकर हमने जितना हो सका अच्छी से अच्छी जानकारी सही बनाकर हमने हमारे वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित की। खबर पर नजर को जानकारी मिली है कि लगभग 300 ऐसे स्कूल हैं जिसमें ज़्यादातर अशासकीय स्कूल हैं, उन्होंने अंशदान भरने में रुचि नहीं ली या यूँ कहें कि उनकी दिलचस्पी नहीं होने कारण कहीं ना कहीं आगे के आपके शेड्यूल प्रभावित हो सकते हैं, कहीं कहीं इकोनॉमिकली बताएं इस मामले। ये तो सत्य है क्योंकि हमारे पास में क्रीड़ा शुल्क व्यवस्थित सभी स्कूलों का नहीं आ पाता है। इसी संबंध में वरिष्ठ कार्यालय वो काफ़ी दिनों से इस जानकारी के लिए लगा हुआ था कि जानकारी हर जिलों से ले ले, हमारे ज़िले से भी जानकारी मांगी गई है, वरिष्ठ कार्यालय के निर्देश से जानकारी दे दी गई है और इस संबंध में जो भी कार्रवाई होगी वरिष्ठ कार्यालय द्वारा की जाएगी, है ना। और जो वरिष्ठ कार्यालय निर्देश देगा, जो वरिष्ठ कार्यालय के मार्गदर्शन होंगे उसमें हम काम करेंगे। लेकिन जिस प्रकार क्रीड़ा अंशदान भरने के मामले में शासकीय स्कूल और पीटीआई का संबंधित प्राचार्य एक्टिव नजर आए, अपडेट रखा उन्होंने आपको, प्राइवेट स्कूलों का ऐसा क्राइटेरिया क्यों? और इनपे एक्चुअली क्या है, शासकीय पर तो एकदम जिला शिक्षा अधिकारी का और शासन का एकदम अधिग्रहित वो रहते हैं, उनके अधीनस्थ विद्यालय रहते हैं, अशासकीय विद्यालयों पर नियंत्रण कम रहता है, इसके कारण नियंत्रण होने के कारण कम होने के कारण बराबर जानकारी नहीं आ पा रही। आप थे इंदौर के खेल अधिकारी घनश्याम कारोले जिन्होंने बताया कि क्रीड़ा अंशदान को लेकर विशेष रूप से निजी विद्यालय की ओर से किस प्रकार की विसंगतियां सामने आई है। खबर पर नज़र के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से संजय नजान, शैलेंद्र श्रीमान और उत्तम राव पाटिल की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद, जय हिंद।